दोस्तों, आप लक पर या किस्मत पर कितना विश्वास करते हो? मैं खुद भी लक को मानता हूँ, लेकिन 1% से ज्यादा नहीं। अगर आपको लगता है ना कि आप अनलकी हो, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, आप फेल होते हो क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, तो यार इस वीडियो के बाद तुम्हारी सोच ना पलटे ना। तो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, जहां पर तुमने सब्सक्राइब करके रखा है, वहां अनसब्सक्राइब कर देना। अब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मेरे में नहीं है बॉस, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दोस्तों, रिसेंटली मैं बैंगलोर गया हुआ था। वहां पर मैं कई सारे स्टार्टअप के फाउंडर से मिला। कुछ 20 साल के थे, कुछ 25 साल के थे, तो कुछ 30 साल के थे। वहां मैं दुकान ऐप के फाउंडर सुमित शाह से मिला। वहां जाकर मुझे उनका स्टोरी पता चला कि यार ये बंदा 2019 में लॉकडाउन होने से पहले अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बैंगलोर आया हुआ था, पर लॉकडाउन की वजह से ये वहीं पर अटक गया और वहीं पर इसे दुकान का आइडिया आया और सुमित ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। और आज केवल 2 साल बाद सुमित के इस कंपनी का वैल्यूएशन 700 करोड़ से भी ज्यादा है। केवल 2 साल में इन्होंने 0 से शुरू की हुई कंपनी की वैल्यू 700 करोड़ तक पहुंच गई। ये सुन के मैं बहुत मोटिवेट हो गया कि यार केवल 2 साल में ये बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मेरे दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि यार जहाँ पर लॉकडाउन में लोगों ने सब कुछ खो दिया, किसी ने अपना जॉब खोया, किसी ने अपना बिजनेस खोया, वहां पर इस बंदे ने ऐसा क्या किया कि इसने इतना कुछ अचीव कर लिया? क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया अनलकी है और सुमित जैसे ही कुछ लोग लक को अपने साथ लेकर आए हैं। इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैंने सुमित के साथ पॉडकास्ट शूट किया। तब मुझे पता चला कि यार ये बंदा पिछले 10 सालों से मार्केट में घूम रहा है, कॉन्टैक्ट्स बना रहा है, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, तब जाके वो यहाँ तक पहुंच पाया है। यहाँ पर लक नहीं, इस बंदे का स्ट्रगल था जिसकी वजह से वो ये कर पाया। यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आती है कि यार आप जितना मेहनत करते हो, जितना हार्डवर्क करते हो, उतने ही आप लकी बनते जाते हो। मैंने 25-30 साल के लोगों को रोते हुए देखा है कि यार जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, लाइफ हर रोज कोई डरावना सरप्राइज दे रही है, वगैरह वगैरह। वहीं पर मैं कुछ 20-21 साल के बच्चों से मिला जिनके आज तक 4-4 स्टार्टअप्स फेल हो चुके हैं, सब साइड से लगी पड़ी है, घर वालों का प्रेशर तो नेक्स्ट लेवल पर है, पर फिर भी ये बच्चे अपने 5th स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं क्योंकि यार इनकी जिद है कि भाई मुझे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना ही है। यार ऐसे लोगों को लकी बनने से कौन रोक सकता है? दोस्तों याद रखना, हर बंदा अपनी किस्मत खुद लिखता है। लोग ऐसे ही लकी नहीं बनते। जब दोस्त पार्टी कर रहे हो तब भी काम करते हैं ये लोग, जब दोस्त घूम रहे होते हैं तब भी काम करते हैं ये लोग, जब दुनिया सो रही होती है तब भी काम कर रहे होते हैं ये लोग, और जब दुनिया सुबह उठती है उनसे पहले अपने काम पर लग चुके होते हैं ये लोग, और तब जाके पूरी दुनिया जो चाहती है वो सब कुछ अपने लिए अचीव कर पाते हैं ये लोग। किस्मत को ताना देने से पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ, इतनी मेहनत करने की तैयारी रखो कि तुम्हारी किस्मत लिखने का मौका किस्मत खुद तुम्हें दे। और ये तभी होगा जब तुम्हारे गोल्स पर तुम्हें खुद यकीन होगा। वहां तक पहुंचने के लिए अंदर एक डिसिप्लिन होगा, हार ना मानने का एटीट्यूड होगा और बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। नॉलेज के बारे में बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मंगेश भाई आप इतनी नई नई चीजें कहां से सीखते हो? दोस्तों, इसके लिए मैं हर रोज कुकू FM पर एक ऑडियो बुक सुनता हूं, जिससे हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, कई सारे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखता हूं। यहाँ पर कई सारी वैरायटी ऑफ ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज अवेलेबल है, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, चाणक्य नीति और भी बहुत कुछ। और इसके लिए मैं कोई अलग से टाइम नहीं देता हूँ। कोई भी काम करते वक्त या फिर रात को सोने से पहले मैं कुकू FM पर ऑडियो बुक सुनता हूँ, जिससे हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और ये आदत हर किसी को लकी बना सकती है। यू नो व्हाट आई मीन। दोस्तों, कुकू FM के पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके एक पिज्जा की कॉस्ट से भी कम है। और अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ भी मिलेगा। बट रिमेम्बर, कूपन इज वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर ट्राई करना। दोस्तों, हम सबको नॉलेज का इंपॉर्टेंस तो पता ही है, पर लाइफ में विजन कितना इंपॉर्टेंट है इसकी स्टोरी सुनो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैं दुबई गया हुआ था। वहां जाने के बाद वहां के लोगों के डिसिप्लिन से और उनके प्रोग्रेस से मैं लिटरली इंप्रेस हो गया। इसीलिए मैंने दुबई की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते वक्त मुझे पता चला कि भाई दुबई के पास ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था जिससे वो पैसा बना सकते थे। जैसे कि अबू धाबी के पास ऑयल था जिसे बेचकर वो पैसे बना सकते थे, पर इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके लीडर के पास था तो एक विजन। इस बंदे की जिद थी कि भाई दुबई में जो भी बनेगा या तो ओनली वन होगा, यानी कि वो सिर्फ दुबई में ही होगा, या तो नंबर वन होगा, यानी कि उसके जैसा पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। और इसी विजन के साथ इन्होंने दुबई को बनाया। आज दुबई कहां पर पहुंच गया है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग लकी नहीं थे, बस इनके पास एक विजन था और उसको हकीकत में उतारने की एक जिद थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो खुद को लकी नहीं बना सकता। बस उसके लिए अपने आप को अनलकी समझना बंद करो, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए उस बंदे से तो आप लकी हो, ऑर्फनेज में बिना माँ बाप के अपना फ्यूचर ढूंढने वाले उस बच्चे से तो आप लकी हो, आज काम नहीं मिला तो खाना नहीं खा पाओगे ऐसे मजदूर से तो आप लकी हो, कोरोना के वक्त अपने घर पर पैदल जाने वाले उन लोगों से तो आप लकी हो। यार दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका सपना बस इतना है कि उनको आपके जैसी लाइफ जीनी है, 2 वक्त का खाना पेट भर खाना है। सोचना यार इस बात पे, और नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू FM एक बार जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।